ओके, तो दिस वाज डन इन फैक्ट 3.4 जो है, मैं थोड़ी हिंट दूंगा, ये 3.3 का दिया था मैंने, वाज इट गिवन 3.3। सर दिया था, मैं करना भूल गया। ओके चलो, इससे पहले था ये, हो गया था ना। ओके हाँ सर, ये और हाँ ये भी हो गया था सर। ये हो गया है, देन ये क्वेश्चन था होमवर्क में। हाँ सर, ये होमवर्क था। ओके चलो, इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू यूज दिस फार्मूला, तो वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन, वी नीड द डीवी बाई डी एक्स, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, डीवी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 1 का 0 होता है, तो ये 2x आ गया ना। नाउ एक्सलेशन इज वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जो इक्वेशन दी है वो वी की दी है, इंटू 2x। ओके जस्ट ए मिनट, कुछ प्रॉब्लम है, समबडी हैज जस्ट होल्ड ऑन। हेलो अच्छा एक काम करो, वो शॉप पे नहीं पहुंचेगा। हाँ और आगे जाओ बजाज नगर की तरफ, हाँ उधर से जब सिग्नल क्रॉस करके लेफ्ट साइड में देखते जाओ, चौथा चौथी बिल्डिंग में अंशुल फुटवेयर करके लिखा है, हाँ चौक पार करके, हाँ चौक पार करके लेफ्ट साइड में देखते जाओ, अंशुल 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 फुटवेयर, हाँ ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एट एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स की वैल्यू 2 दी हुई थी, 2 मीटर, ए हाँ 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 इंटू 4 दैट्स 20 आ गया था, ये सम ऑफ योर डेनिट करेक्ट। ऑल राइट यस सर, ओके तो दिस वन, नाउ व्हाट एल्स, इसके बाद क्या था, ये था क्या, ये हो गया था सर, इससे पहले निकालना था, आपने होमवर्क दिया था, हाँ आपने ये भी होमवर्क दिया था, इससे पहले एक और था, इसके बाद मतलब वो सर ये वाला एक्स वो, हाँ सर ये वाला, इसमें एरिया निकालना था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है, ठीक है, तो हाफ हो गया, बेस कितना है, बेस इज 20, हाइट इज 10, तो 100 मीटर पर सेकेंड इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऑल राइट आ गया था ये, यस सर, इसका सेकेंड पार्ट भी दिया था मैंने, नहीं सर इतना ही दिए थे, सेकेंड पार्ट भी लिखो होमवर्क में, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी का सेकेंड पार्ट कंटिन्यूएशन में है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 20 सेकेंड इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड,
नोटेड तो ये भी होमवर्क है। हाँ ये सेकंड पार्ट फिर से होमवर्क में, फर्स्ट पार्ट वी आर डन इट नाउ, इसका कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट इसी पे डिपेंड कर रहा है। आफ्टर गेटिंग दिस ओनली यू कैन फाइंड आउट द सेकंड पार्ट, इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आफ्टर दैट ये था क्या, थीटा 60 दिया तो वेलोसिटी कितनी होगी? अरे क्लास में कर लिए थे ये v, जो सेकंड वाला है ना, ये a वाला v / vb वाला। ओके कितना आया उसका आंसर? 1/3। ओके राइट आंसर 1/3। ओके देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। va विल बी 10 थीटा 1, थीटा 1 इज 60, 1/√3, वेलोसिटी ऑफ b इज 10 थीटा 60, दैट इज √3, और डिवाइड कर देंगे va / vb विल बी 1/3। तो b इज मूविंग थ्राइस फास्टर, नीचे रेशियो में चलिए b का, तो b इज मूविंग थ्राइस फास्टर एज कंपेयर टू a, तो 1/3 जिनका आंसर आया था इट्स ऑल राइट, अदर्स कैन क्रॉस चेक। नोट कर लो इसको, इसका सेकंड पार्ट भी होमवर्क में है। फिर से सेकेंड पार्ट में इफ ऑब्जेक्ट बी मूव्स विद द 45 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए, दिस इज होमवर्क अगेन। Noted. Yes, sir. Okay. ये this was done in the class. देखो ये इसका, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3.3 है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। Woman starts from home at 9 PM, walks with the speed 5, है ना? On the state road up to her ऑफिस 2.5 किलोमीटर, है ना? तो ऐसे टाइम का डिवाइड कर लो हाफ एन आवर की उसमें, आई एम नॉट डूइंग दैट जस्ट, तो वो और ये भी डिवाइड कर लो 0.5 किलोमीटर वन, इस तरह से करके। तो इनिशियली शी इज वॉकिंग एंड गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस में रेस्ट पे शी विल बी देयर एट रेस्ट अप टू 5 PM, देन शी कम्स बैक विद द ऑटो विच इज फास्टर, तो कम टाइम में। यहाँ पे देखो इतना टाइम लगा, टाइम कैसे निकालें, डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को टाइम से, किलो डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी से, टाइम मिल जाएगा। इधर का भी वेलोसिटी से डिस्टेंस रिमेनिंग सेम, ये वाली ये वेलोसिटी 25 हो गई, तो वो टाइम निकाल देंगे। यहाँ का टाइम कम इतना लगेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा दिस मच, बाकी ड्यूरेशन शी इज एट रेस्ट इन द ऑफिस, तो ये हो गया, है ना? तो ये पोजिशन टाइम ग्राफ, एक्स टी ग्राफ मीन पोजिशन टाइम ग्राफ, इस तरह का ग्राफ आएगा वो, है ना? ये इसको फिल कर लेना कितना टाइम है, ये 5 PM हो जाएगा, उसके बाद कितना टाइम लगेगा डिवाइड करने से, ये किलोमीटर फिल कर लेना 0.5 1 2 2 1 2.5 ऐसे, है ना, कर लेना इसको 0.5 1 1.5 2, एक लाइन बीच में और आ जाएगी इक्वल डिस्टेंस से।
Now suppose if I ask you draw the distance time graph, ये क्या है? Displacement होता है, x is the displacement. Distance time graph में क्या change होता बोलो? इसी graph में what thing would have been changed if it is distance time graph? तो ये इधर नहीं आएगा, displacement zero हो सकता था, यहाँ पे zero, office से जब घर में पहुंच गई तो zero हो गया यहाँ पर, तो distance time graph में ऐसे आ जाता है. Further it will keep on increasing this distance. ये ऑफिस का टाइम, फिर वापस आने का डिस्टेंस. तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस होगा तो दिस विल गो अप, जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस विल नॉट बी जीरो, डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, तो यू हैव टू रीड इट केयरफुली. यहाँ पर एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट, नॉट द डिस्टेंस. क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 3.3 हो गया. ये वाला थोड़ा क्लू दिया था क्या मैंने, कैसे करते हैं? थोड़ा तुम्हारे क्लास में डिस्कस हुआ था, 5 स्टेप आगे जा रहा, 3 नेक्स्ट क्लास में आप समझाओगे. अच्छा चलो, थोड़ा मैं समझाता हूँ. ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझ. देखो ग्राफ खुद कोशिश करो. मैं इसमें देखो, सपोज यहाँ पर ड्रंकार्ड पर्सन है और यहाँ पर डिच है, कुछ गड्ढा है, पिट है यहाँ पर. तो वो ऐसे जा रहा है, 5 स्टेप आगे जाता है, फिर वो नशे में है, फिर 3 स्टेप वापस आ जाता है. एक स्टेप जो है 1 मीटर का है और 1 सेकंड लग रहा है. तो उसने 5 + 3 8 स्टेप लिए, 8 सेकंड लगाए वन गो में, है ना. तो एक्चुअली वो कितना, 2 स्टेप ही गया, 8 सेकंड में 2 स्टेप आगे बढ़ा, 2 मीटर आगे बढ़ा, है ना. That is what they are telling. He Dunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5. फिर से 5 step आगे, फिर ऐसे. तो effectively उसको कितना 13 meter दूर पर pit है या ditch है, जो भी समझो. तो effectively 8 second में he is covering 2 meter only. राइट, 3 स्टेप पीछे आ रहा है, तो 5 स्टेप आगे गया, तो 8 सेकंड में 2 मीटर, है ना. तो देखो जब वो यहां से 5 मीटर पीछे होगा तब कितना डिस्टेंस होगा, 13 में से 5 माइनस कर दो, कितना हो गया ये, 8 मीटर है. 8 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, 8 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 32 seconds जाने में, है? एक मीटर जाने में उसको 2 मीटर जाने में 8 सेकंड लग रहे, है ना. तो 8 मीटर आगे जाने में 32 seconds. ठीक है, तो 8 / 1 मिनट, यहां पे मैं लिखता हूं, 2 मीटर जाने में 8 सेकेंड, है ना. तो 8 मीटर जाने में 4 times हो गया, 8 × 4 32 सेकेंड. तो 32 सेकेंड में वो 8 मीटर तक तो पहुंच जाएगा, यहां पर होगा. फिर नेक्स्ट जैसे ही 5 मीटर आगे जाएगा गिर जाएगा इसमें, फिर उसको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा, ही विल फॉल इन टू पिट. तो नेक्स्ट जो है 5 सेकंड और, तो 37 सेकंड में ही विल फॉल इन टू द पिट. लास्ट के जो 5 स्टेप आगे जाएगा उसको फिर वापस नहीं आ पाएगा वो. तो 37 सेकंड इज द आंसर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और जनरली मे नॉट बी आस्क्ड इन द क्लास, बट इट सिंस इट इज द पार्ट ऑफ द बुक, थोड़ा बहुत हमें वी विल कीप डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस आल्सो. आया समझ में? फिर से इसको सोचो जाके. बस ओनली की थिंग क्या है, लास्ट के जो 5 स्टेप होंगे उसमें वापस नहीं आ पाएगा. जैसे ही 5 स्टेप आगे जाके, 5 स्टेप आगे जाके पीछे आ रहा है, तो ही विल फॉल इनटू द पिट.
जो गड्ढा है छोटा मोटा वहां पे गिर जाएगा उसमें, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा वहां तक पहुंचने में उसको, दैट इज व्हाट इज आस्क। ग्राफ भी कुछ ऐसे जाके फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक। तो दिस वाज द क्वेश्चन, ये थिंक अबाउट दिस, नहीं आता तो फिर से डिस्कस करेंगे इसको। ओके, नाउ वी विल डिस्कस काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। तो दीज इक्वेशंस कैन बी यूज्ड व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। काइनेमेटिक इक्वेशन, जिनको हम लोगों ने 10th में इक्वेशन ऑफ मोशन, 9th में इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज v = u + at एंड ऑल। तो इसमें टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, हम लोग को दो पॉइंट लगने वाले, कौन कौन से? एक तो एरिया, एरिया ऑफ द डिस्क, एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे वेलोसिटी है, देखो हियर इज द वेलोसिटी, हियर इज द टाइम। एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस व्हाट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप क्या देता है? स्लोप velocity. यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, एनसीईआरटी बुक में कुछ वी नॉट सिंबल दिया, तो आई मेड इट यू। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, है ना, टी इज इक्वल टू जीरो पर वो यहाँ से स्टार्ट कर रही है, और यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रही है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू द सिचुएशन। ये यू इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे तुम खड़े हो, और कार जो है, कार इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, और ये जैसे तुमको क्रॉस किया उसने, तो इट इज क्रॉसिंग विद द स्पीड यू, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, देन ओनली इट कैन हैव द स्पीड यू। तो टी इज इक्वल टू, तुमने टी इज इक्वल टू जीरो पे नोट किया, इट वॉज क्रॉसिंग यू विद द वेलोसिटी यू। अगर वो यहीं से चलती, तुम्हारे पास से चलती, तो ग्राफ यहाँ से आता, इट वुड हैव बीन लाइक दिस। बट सिंस इट इज इनिशियल वेलोसिटी इज यू, it means coming behind and crossing you with the initial velocity u at t is equal to zero. जैसे तुम्हें क्रॉस किया, तुमने अपना t is equal to zero time start कर दिया, यहाँ से t is equal to zero, इधर time है, इधर velocity है, तो already t is equal to zero पर उसके पास u velocity है, ठीक है, that is the meaning. v is the velocity after time t, इतना time, ये time होने के बाद उसकी velocity, ये v हो गई। कितने टाइम पर करेस्पॉन्डिंग टू टाइम टी वेलोसिटी इज वी, ठीक है। ए इज द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये देखो, ये सी बी, ये हमें चाहिए, इसमें स्लोप लिखने के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, बेस तो टी है, बट ये कितना होगा? परपेंडिकुलर निकलना है। तो टोटल देखो, यहां से यहां तक का वी है, और यहां से यहां तक u है, तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो दिस डिस्टेंस विल बी v माइनस u, जिसको हमने यहां पे लिखा है। तो bc इज इक्वल टू, देखो bc क्या है, ये वाली bc, bc इज इक्वल टू db, ये डिस्टेंस v है, माइनस dc, दैट इज u, तो v माइनस u, तो परपेंडिकुलर आ गया अपना v माइनस u डिवाइड बाय टाइम। तो दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेशन। फर्स्ट डेरिवेशन इज, एक मिनट, ओके, तो एक्सीलरेशन इज द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज वी माइनस यू अपॉन बेस इज टी, तो वी माइनस यू बाई टी। अभी इसको टी को जल्द ले आएंगे, ए टी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो और यू को इधर शिफ्ट कर लिया, तो v बच जाएगा इधर,
तो u प्लस ए टी दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो इट विल बी v प्लस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन ऊपर का दिखाओगे यस कॉपी करना ओके सर ठीक है तो फर्स्ट डेरिवेशन स्लोप से आया इसमें फोर अननोन्स हैं यू वी यू ए एंड टी जिसमें वी वेक्टर है यू वेक्टर है ए वेक्टर है इनकी डायरेक्शन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन लिखना पड़ता है हमें सपोज सारे एक ही डायरेक्शन में है वी यू एंड ए तो हम प्लस ले लेंगे उनको अपोजिट डायरेक्शन है कुछ तो अपोजिट डायरेक्शन है तो कुछ को प्लस लिया जाएगा कुछ को माइनस लिया जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन जनरली हम लोग प्लस लेते हैं तो नीचे वाली माइनस हो जाएगी और ये वाली डायरेक्शन प्लस लेंगे तो ये वाली माइनस हो जाएगी ठीक है कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो हमें साइन का भी सब ये नहीं कि ऑलवेज यू राइट प्लस 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 सब प्लस टाइम प्लस रहेगा हमेशा टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव बट वी एंड यू एंड ए इसमें से कुछ ना कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते तो यू तो पॉजिटिव लेते एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे रहता तो ए को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा माइनस 9.8 लेना पड़ेगा जब भी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते तो हमेशा ए विल बी अपोजिट दैट विल बी इक्वल टू जी दैट विल बी माइनस 9.8 डाउनवर्ड ठीक है तो ये ध्यान रखना है साइन हम लोग सीखेंगे अभी न्यूमेरिकल इसका बट कीप इट इन माइंड ऑल विल नॉट ऑल मे बी पॉजिटिव और सम ऑफ देम मे बी पॉजिटिव एंड सम ऑफ देम मे बी निगेटिव सेकेंड डेरिवेशन पहले कर लेते हैं Let's do the second derivation, जो कि s is equal to ut plus half a t square है. कैसे derivation आएगा ये बोलो. Can you guess how to get the second derivation? Sir, a b s रहेगा. तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा तो फिर वहां पे 90 से करके कर सकते क्या देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट निकालना है डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये पूरा एरिया इसका एरिया निकाल लिया तो हमें टाइम टी में हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा तो एरिया दो पार्ट में निकाल लो एक तो तुम्हारा ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है दोनों का एरिया एड कर देंगे Got it? Area से आएगा. So let's do that. Area under the velocity time graph gives us the displacement. Displacement का symbol S लिखेंगे. Symbols can be different also, but we will continue with this. Area of the rectangle, ये ODCA plus area of the triangle ABC, ऊपर वाला जो triangle है. तो ये distance कितना है T और ये कितना है U. तो ये हो गया U into T. और ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस टी है हाइट वी माइनस यू है हाइट इज वी माइनस यू ये हाइट है इसकी और बेस इज टी तो ट्राइंगल का एरिया ठीक है तो ये इक्वेशन इसको मैंने टू सिंबल दिया ये हमें आगे काम आएगी बट दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड रिलेशन विच वी नीड अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे वी माइनस यू अभी हमें पता है कि एक्सेलेरेशन इज v माइनस यू बाई टी है ना तो यहाँ पर v माइनस यू की वैल्यू t को इधर ले आओ तो ये ए टी हो जाएगा विच इज इक्वल टू v माइनस यू तो v माइनस यू की वैल्यू ए टी पुट कर देंगे देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक्सेलेरेशन ये इस इक्वेशन से हमने ए टी की वैल्यू निकाली v u को इधर भेज दो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी तो वी कैन पुट v माइनस यू की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते Which is 80. तो एक टी और है तो 80 स्क्वायर हो जाएगा तो दिस इज व्हाट इज द सेकंड डेरिवेशन एरिया से फर्स्ट इक्वेशन की भी हमें हेल्प लगी v माइनस यू की वैल्यू हमने 80 यहाँ पे देखो v माइनस यू 80 आया था यहाँ से ही सीधे पुट कर देंगे तो ये डेरिवेशन तुम्हारे पूछे जाते हैं You have to know the derivations and numericals भी करेंगे अभी इसके हम लोग
इसमें कितने देखो अननोन है, 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 अननोन है, जिसमें टाइम तो स्केलर है बट एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट तीन जो है वेक्टर्स हैं, तो उनको साइन कन्वेंशन प्लस माइनस हमें सबकी, अगर किसी की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको माइनस लिया जाएगा, सब सेम डायरेक्शन में है तो प्लस ले सकते हैं, चाहे वो नीचे ही क्यों ना हो, सब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे हमने तुमने नीचे थ्रो कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे, फाइनल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो सबको हम पॉजिटिव ले सकते हैं, ऑल आर डाउनवर्ड, ऑल कैन बी टेकन पॉजिटिव। तो ये न्यूमेरिकल से आएंगे, हमें न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें क्लियर होंगे ये पॉइंट्स। थर्ड डेरिवेशन कौन सा होता है, थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac, इसके डेरिवेशन के लिए हमें ये इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। डू यू रिमेम्बर, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये रिलेशन यूज कर रहे हैं। देखो तो ये इक्वेशन टू जो हमने लिखी थी इसको हम ले लेते हैं, इसको मैंने रिपीट किया नोट में, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में आएगा, थर्ड डेरिवेशन से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा एक और पॉइंट। तो ये हमने लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वी टी हो जाएगा हाफ आगे है और ये यू टी हो जाएगा हाफ आगे है, पहला टर्म भी यू टी था, ये फुल यू टी और ये हाफ यू टी, तो हाफ प्लस हाफ यू टी बचेगा, ठीक है ना। ओके एक मिनट रुक जा, लेट मी पुट इट सम मोर प्रॉपर वे। तो ये ऐसे इस यू टी में से हाफ यू टी माइनस हो गया तो हाफ यू टी बच गया और ये हाफ वी टी इज एज इट इज, तो इसमें से हमने क्या हाफ आगे कॉमन लिया यू प्लस वी और टी इधर ले लिया, अभी टी को हम इधर भेज देंगे नीचे ले आएंगे, तो ये बच जाएगा यू, टी को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया इधर, तो ये बचा यू प्लस वी बाई टू और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, ऐसे द डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में वी प्लस यू बाई टू मिल रही है हमें, हमेशा नहीं मिलेगी एवरेज वेलोसिटी वी प्लस यू बाई टू, वैलिड ओनली इफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट। ये जो एवरेज वेलोसिटी का जो रिलेशन है, एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी ओनली व्हेन व्हेन द कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज देयर, देन ओनली, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल तुमने एक 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 बॉल को हाइट से छोड़ा, है ना, और वो ग्राउंड में, इट इज ग्राउंड में, इट इज गोइंग टू हिट विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, ग्राउंड में इट इज गोइंग टू हिट विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो इंटायर जर्नी की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 प्लस 10 बाय 2 5 मीटर पर सेकंड, बिकॉज एक्सीलरेशन ग्रेविटी का कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहता है ना। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में वी कैन यूज दिस एवरेज वेलोसिटी यू प्लस वी बाय 2, अदरवाइज एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो उसकी डेफिनेशन है, वो हमेशा यूज कर सकते हैं, बट यू प्लस वी बाई टू भी यूज कर सकते हैं इफ यू यू कम टू नो दैट इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये पॉइंट यूज किया थर्ड डेरिवेशन के लिए एनसीईआरटी बुक में, उन्होंने एक्सप्लेन किया है पहले कि एवरेज वेलोसिटी वी प्लस यू ले सकते हैं यहाँ पर। तो लेट्स सी थर्ड डेरिवेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखते हैं। तो वी नो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टाइम इधर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी अभी हमने ऊपर निकाली थी v plus u by 2 और टाइम जो है फर्स्ट इक्वेशन से a is equal to चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम को इधर ले आओ a को नीचे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से
v माइनस यू बाई ए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए, टू ए को जल्द ले आओ, टू ए एस हो जाएगा और ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और इसको फिर हमने सिंप्लीफाई करके v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस लिख लिया। ठीक है, तो दैट इज द थर्ड डेरिवेशन। तो तीनों में से कोई भी डेरिवेशन पूछ सकते हैं वो। शाश्वत किसको करें, कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है क्या तुम लोगों का? शाश्वत ये इशू है मेरे पास सिर्फ, मेरे यहाँ सिर्फ। देखो तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। तो ये हमने देखो लास्ट में क्या लिखा, देखो जस्ट लिसन, थर्ड डेरिवेशन कैसे किया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी अभी हमने ऊपर से ये निकाली, देखो v v प्लस यू बाई टू, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही तो लिख सकते हैं हमको, हम लोग इसको टाइम फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन इज द टाइम, दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है। इसमें भी देखो ये इसमें सभी वेक्टर क्वांटिटीज है, देखो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये तो स्क्वायर है इसलिए माइनस भी होंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, साइन कन्वेंशन से पुट करना पड़ेगा। सपोज ऑब्जेक्ट को हमने नीचे नीचे ड्रॉप किया तो जी भी माइनस होता है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पर, तो ये टर्म पूरा प्लस आता है। बट लेकिन हमने सपोज ऊपर फेंका ऑब्जेक्ट को तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव रहेगा और एक्सेलरेशन नीचे रहता है माइनस, तो इनका प्रोडक्ट यहाँ पे माइनस आ जाता है तो वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो साइन का हमें प्रॉपर सीखेंगे। एंड यहाँ पे देखो मैंने फिर से लिखा हुआ, टू यूज दीज इक्वेशंस डिसाइड पॉजिटिव डायरेक्शन देन अपोजिट डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। सपोज हमने ये वाली डायरेक्शन प्लस ले ली तो नीचे वाली माइनस होगी, ये वाली प्लस ली तो ये वाली माइनस होगी। समबडी में से ओके मैं ये प्लस लूंगा तो ये माइनस हो जाएगी, समबडी में से नो डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस लेंगे तो ऊपर वाली माइनस हो जाएगी। बट जनरली अपवर्ड एंड राइटवर्ड डायरेक्शंस आर टेकन पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव। सर ये साइन कन्वेंशन हमने पिछले साल पढ़े थे ना लाइट में? नहीं, वहां पर लाइट में अलग साइन कन्वेंशन है, पता लाइट के जो है अलग साइन कन्वेंशन है। उसमें क्या होता है, ऑल द पोजीशंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल और ऑप्टिकल सेंटर, और इफ वी मूव अगेंस्ट द इंसिडेंट रेज इट विल इज नेगेटिव, इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इट इज पॉजिटिव। तो वो अलग है, इसको साइन कन्वेंशन ऐसे बोलते नहीं है, इसको हम ऐसा बोलते हैं कि भाई अपोजिट डायरेक्शन को माइनस लेना जरूरी है भी, इफ इट इज we are dealing with the vector quantities, the vector quantities hain ye opposite direction, matlab wo kya bolta hai, minus sign means that particular vector quantity is in opposite direction, hai na, particularly yahan pe mistake hoti, dekho jaise humne upar pheka object ko to u to positive hai, tum log acceleration g bhi positive lete jabki g to niche lagta hai na, jab upar throw karte na to you mind it ki g jo hai minus hoga u plus hoga kyunki opposite hai wo, to wahan pe tum log dono plus le lete ho फिर आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। तो अभी न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम लोग, अभी ब्रेक कर लें क्या, फिर से ज्वाइन करें? ओके सर, चलो ठीक है।